मुझे वॉर्टन आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, बट जस्ट बिकॉज मेरे अभी 1.5 साल से ज़्यादा स्कूल में टाइम बचा था रहने का, डिग्री लेने का, मैंने उतना वेट नहीं किया। सारी एडवाइस मुझे लगता है वॉज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट कि फेल मत होना, हार मत जाना, हार जाओगे तो सोचो इससे अच्छा डिग्री ले लेते हैं। हमारे लिए उस टाइम पे वो एक फेलियर था, दुनिया के लिए भी एक उस टाइम पे एक तरह से वो फेलियर था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई अपना स्टार्टअप को नहीं बेचता है। कार्स का काफ़ी धंधा कैश में होता था, काफ़ी बिजनेस कैश में होता था, और हमसे जो डीलर्स गाड़ी खरीदते थे उन्होंने ओवरनाइट डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दी, क्योंकि सारा कैश मार्केट से हट गया। इन 2021 समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एंड वी बिकेम यूनिकॉर्न बाय रेजिंग अ बिग राउंड एट ओवर $1 billion ऑफ वैल्यूएशन। मिडिल क्लास लोग नौकरी के लिए बने होते हैं, स्टार्टअप के लिए नहीं। बहुत साल पहले जब मैं अपना स्टार्टअप करने का सोच रहा था, तब किसी ने मुझे ये लाइन बोली कि या तो अगर आप बहुत अमीर हो या आपके पास कुछ भी नहीं हो, तब आप स्टार्टअप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज। बट अगर आप मिडिल क्लास हो तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आप एक स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करो और एक नौकरी ही करो। एंड दैट वाज व्हाट माय वेल विशर्स वांटेड टू एडवाइज मी, बट उनकी ना सुनते हुए मैंने अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया और सोचा कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। इनफैक्ट एक नहीं, मैंने 2 बार स्टार्टअप किया, और माय करंट स्टार्टअप Cars24 इज़ हेल्पिंग फुलफिल वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स दैट पीपल हैव ऑफ ओनिंग अ कार। मैं हूँ विक्रम चोपड़ा, CEO एंड co-founder ऑफ Cars24, और आज मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से अपनी लाइफ से, जो सक्सेस के बारे में नहीं है बट वो फेलियर के बारे में है, और उन फेलियर से मैंने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया, और जो भी मैंने छोटी या बड़ी सक्सेस देखी है, मुझे लगता है कि वो सारे उन एक्सपीरियंसेस की वजह से है, उन फेलियर्स की वजह से है, उन डिफ़िकल्ट पीरियड्स की वजह से है, जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। वी आर अ क्लोज नेट स्मॉल टाउन फैमिली। माई डैड वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नाउ इज़ रिटायर्ड, एंड माई मॉम वॉज अ होम मेकर फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, बट शी इज़ ऑल्सो डैबल्ड विद टीचिंग फॉर सम पीरियड। सो 2011 में जब मैं करीबन 28 साल का था, उस टाइम पे मेरा वॉर्टन स्कूल में MBA के लिए एडमिशन हो गया। वॉर्टन स्कूल US का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस आईवी लीग स्कूल है फॉर MBA, और इतना प्रेस्टीजियस है कि मैंने इस स्कूल में जाने के लिए कुछ 1 साल तैयारी भी करी थी नौकरी करते हुए। और जब मैं स्कूल में पहुँचा, उसी टाइम पर मुझे एक स्टार्टअप का आइडिया आया, और मैं अभी स्कूल में पहुंचा ही था। फिर मैंने 3-4 महीने उस स्टार्टअप आइडिया पे बहुत रिसर्च करी, और आइडिया ये था कि सारी चीज़ें ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई हैं। ये 2011 है, अभी अभी शुरू हुआ है, बट चीज़ें ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई हैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं US में देखूँ, यूरोप में देखूँ, इंडिया में देखूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब ऑनलाइन बिक रहा है, अपैरल भी ऑनलाइन बिक रहा है, तो फर्नीचर और होम डेकोर ऑनलाइन क्यों नहीं बिक सकता। इनफैक्ट ये एक ऐसी कैटेगरी है जिस पे ऑफलाइन में भी बहुत कम दुकानें हैं, आपको अपने पसंद का फर्नीचर आराम से नहीं मिलता है। सो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है कुछ ऑनलाइन बनाने का। और जब मैंने रिसर्च करी तो मार्केट भी बहुत बड़ी निकली, कोई इस आइडिया को कर भी नहीं रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि अभी जाके इस आइडिया को करता हूँ, बिकॉज ये आइडिया कोई नहीं कर रहा है, तो शायद मुझे इसको सबसे पहले करना चाहिए। बट मुझे वॉर्टन आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, बट जस्ट बिकॉज मेरे अभी 1.5 साल से ज़्यादा स्कूल में टाइम बचा था रहने का, डिग्री लेने का, मैंने उतना वेट नहीं किया। सबने मुझे यही एडवाइस किया कि 1.5 साल की तो बात है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कम से कम बैकअप तो रहेगा कि स्टार्टअप नहीं चला तो तुम MBA तो हो, नौकरी तो कर लोगे। बट मैंने सोचा कि मैं वेट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये आइडिया, अपॉर्चुनिटी पता नहीं कल रहेगी या नहीं रहेगी। और लोगों की बात सही थी कि जो है भाई MBA क्यों करना चाहिए, डिग्री क्यों लेनी चाहिए थी, आखिर मैंने ही तो डिसीजन लिया था आके MBA करने का। बट सारी एडवाइस मुझे लगता है वॉज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट कि फेल मत होना, हार मत जाना, हार जाओगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, हार जाओगे तो सोचो इससे अच्छा डिग्री ले लेते, हार गए तो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और मैंने सोचा कि अगर ट्राई करेंगे तो शायद 10 बार हारोगे, 1 बार जीतोगे, इसलिए हार से घबरा नहीं सकते। और हार भी गए तो क्या होगा, इतना तो आत्मविश्वास है कि इतना तो कुछ कर ही लेंगे कि 2 वक्त की रोटी खा पाए और सर के ऊपर एक छत हो। सो मैंने सोचा कि अगर आइडिया है तो अभी करते हैं, और 4 महीने में मैं फ़्लाइट पकड़ के इंडिया वापस आ गया और फिर मैंने FabFurnish की शुरुआत करी। तो FabFurnish जब मुझे शुरू करना था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ आइडिया डिस्कस करना शुरू किया, और मेहुल जो मेरे अभी भी को-फाउंडर हैं Cars24 में भी मेरे साथ, वो बहुत एक्साइटेड हो गए इस आइडिया से। तो फिर हम दोनों ने इस कंपनी को साथ में इंडिया में शुरू किया, और ऑब्वियसली बहुत ही कम हमारे पास उस टाइम पे सेविंग्स थी, जो भी हमारी छोटी बहुत सेविंग्स थी हमने अपने स्टार्टअप में लगा दी। जो सैलरी भी पहले कमा रहे थे ऑब्वियसली वो भी बंद हो गई, बट इतना एक्साइटमेंट था आइडिया को लेके, और शुरू में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। हमने फर्नीचर खूब सारा लिस्ट किया अपनी वेबसाइट पे, बेडशीट लिस्ट करी, होम डेकोर आइटम्स लिस्ट किए, कर्टन्स लिस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें लिस्ट करी, और 3 साल तक हम लगे रहे। बीच में हमने फंडिंग भी उठाई, उससे हमने मार्केटिंग भी करी, बहुत सारे लोग हायर किए। आई थिंक एक टाइम पे 500 से ज़्यादा लोग थे कंपनी में, 10-12 शहर में हम लाइव थे। बट बहुत मेहनत करने के बाद 3 साल बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इस बिज़नेस को बड़ा बनाने में और काफ़ी समय लगेगा। वाइल सेल हो रही थी, हर सेल पे पैसे उतने नहीं बन रहे थे कि सारे लॉसेस कवर हो पाए। सो वाइल हम ये नहीं करना चाहते थे, हमने उस टाइम पे स्टार्टअप को फिर फ्यूचर ग्रुप को बेचा ताकि वो इसको आगे बढ़ा पाए, बट वो सक्सेस नहीं थी हमारे लिए, बिकॉज इस स्टार्टअप से हमने कोई बड़ी मॉनेटरी एग्ज़िट नहीं ली, या फिर हमारी खुद की ड्रीम थी कि हम अपने इस बच्चे को खुद बड़ा करें, जबकि हमको इस बच्चे को किसी और कंपनी को सौंपना पड़ा। सो हमारे लिए उस टाइम पे वो एक फेलियर था, दुनिया के लिए भी उस टाइम पे एक तरह से वो फेलियर था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई अपना स्टार्टअप को नहीं बेचता है। और बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही कि हम कंपनी अच्छे से चला नहीं पाए, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं बढ़ी, और इतने सारे लोग हमने कंपनी में लगाए बट हम सक्सेस नहीं ले पाए, एक्सेट्रा। बट हमने उन सब चीज़ों को लेके इतना परेशान नहीं हुए, इतना नहीं सोचा, बिकॉज ये शायद पहले से ही मन में था कि जब आप कुछ करोगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। ऐसा भी नहीं कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करो, आप उन चीज़ों को सुनो और उनसे अपने लिए जो लेसन है वो लेने की कोशिश करो, बट डोंट बी डीमोटिवेटेड। एक छोटा सा ही सटल सा डिफरेंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद नेचर में ही है, एंड आई फाइंड माई सेल्फ लकी फॉर दैट दैट आई डिडंट लेट माई सेल्फ गेट बॉक्ड डाउन बाय इट। इनफैक्ट FabFurnish से हमें इतनी सारी लर्निंग थी, इतने सारे आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ को यूज़ करके हमने Cars24 शुरू किया। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन्स वी थॉट वी वर स्ट्रगलिंग एट FabFurnish वॉज सप्लाई वॉज अ बिगर प्रॉब्लम दैन डिमांड। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग फर्नीचर ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते थे, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इनफ फर्नीचर की सप्लाई ही नहीं थी इंडिया में, और वो सप्लाई आती थी चाइना से, वियतनाम से, आज भी काफ़ी कुछ वहीं से आती है, और वो सप्लाई लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस सप्लाई को लाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए थी जो हमारे पास नहीं थी। बट ये थॉट कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सप्लाई कंस्ट्रेंट है ना कि डिमांड कंस्ट्रेंट, से हमें आइडिया आया कि ये तो कार्स के लिए भी ट्रू है, ये प्री ओन्ड कार्स के लिए भी ट्रू है कि यहाँ पे डिमांड बहुत है, लोग प्री ओन्ड कार्स खरीदना चाहते हैं बट सप्लाई नहीं है। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड Cars24, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड इन Cars24, इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट 5 years द ओनली थिंग वी फोकस्ड ऑन वॉज सॉल्विंग फॉर सप्लाई ऑफ यूज्ड कार्स। सो 2015 में अगस्त के टाइम अराउंड हमने Cars24 को शुरू किया, और शुरुआत बहुत सिंपल सी थी। हमने कहा कि हमें गाड़ी की सप्लाई ऑर्गेनाइज़ कर दी है, ये सप्लाई है कहाँ, ये सप्लाई तो आप सबके पास है, हम सबके पास है, क्योंकि हम सब एक कार ओनर हैं। जब हम अपनी कार बेचते हैं तभी तो कोई आगे उस कार को खरीद सकता है। तो हमने कहा कि पहले गाड़ी बेचने से ज़्यादा कोशिश करने से हम गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, हम सेलर्स पे फोकस करेंगे ना कि बायर्स पे। तो पहले हमारा पूरा फोकस था सेल योर कार इन 15 मिनट्स, सेल योर कार क्विकली, सेल योर कार इंस्टेंटली, गेट पेड इंस्टेंटली। सो ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग मैसेजिंग प्रोपोजिशन के साथ, जो ज़्यादातर कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी एस्टॉनिशिंग था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना जल्दी गाड़ी खरीद सकते हो और तुरंत बैंक अकाउंट में पैसा दे दोगे, से हमने कार्स24 की शुरुआत करी। पर शुरुआत बहुत सिंपल सी थी। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कहाँ आती हैं, आंसर बहुत सिंपल था, पेट्रोल पम्प्स। तो मेहुल और मैं जाके गुड़गांव के एक पेट्रोल पम्प में खड़े हो गए और वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ पेट्रोल भराने आती थी, हमने उनसे पूछना शुरू किया कि सर आपको कभी गाड़ी बेचनी है तो आप कार्स24 ट्राई करना। और ऐसे ही जब हमने 50, 100, 200 लोगों से बात करी तो हमको कुछ कुछ लोग मिलने लगे जो गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड थे। और वहाँ से शुरुआत हुई हमारी कार्स24 में इस सेलर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमारी सप्लाई बनने लगी एक एक कार करके। इनफैक्ट वहाँ पे पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर थी, वो हमसे इतना प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने कहा बेटा मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ, मेरा एक छोटा सा रूम है, आप लोग उसको यूज़ कर लो। तो उस तरह से हमें एक अपना पहला ऑफिस भी मिल गया उसी पेट्रोल पंप में, वो भी फ्री में, विदाउट पेइंग एनी रेंट। और वहाँ से कार्स24 की शुरुआत हुई। बट कार्स24 की जर्नी में आइडिया को इनिशियल लग भी रहा था कि इस आइडिया में दम है, कस्टमर का रिस्पांस अच्छा आ रहा था, बट हमें लोग चाहिए थे, राइट। मेहुल और मैंने इसको शुरू किया, मेहुल और मैं खुद एक साथ FabFurnish भी कर रहे थे। बट हमारी एक बड़ी लर्निंग FabFurnish से ये थी कि हम इसको अकेले नहीं बना सकते, हम 2 से नहीं होगा, हमें बहुत सारे लोग चाहिए। इस थॉट को रखते हुए हमने कहा कि हम उन लोगों को लाते हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जिनको हम बहुत टाइम से जानते हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी गॉट रुचित एंड गजेंद्र एज आर 2 अदर को फाउंडर्स। एंड नॉट जस्ट 4 ऑफ अस, बहुत सारे लोग हैं इस कंपनी में जो 5 साल से ज़्यादा कंपनी में टिके हुए हैं। 6000 लोग हैं आज कंपनी में, 6000 से ज़्यादा हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से साथ में। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी कंपनी बना रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ हो जो ट्रस्टवर्दी हो, जो आप में भरोसा रखते हैं, क्योंकि कंपनी बनाते वक्त बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो जब आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ हैं और जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो वो भाग जाएं, बिकॉज ऐसा तो हमेशा चलता रहेगा। 10 दिन ख़राब जाएंगे, 1 दिन अच्छा जाएगा, फिर 50 दिन ख़राब जाएंगे, फिर 2 दिन अच्छे जाएंगे, और ये जर्नी ऐसे ही चलती रहती है। इनफैक्ट कार्स24 में भी हमने ये बहुत बार देखा। जैसे 2015 में हमने कंपनी शुरू करी और 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया। कार्स का काफ़ी धंधा कैश में होता था, काफ़ी बिजनेस कैश में होता था, और हमसे जो डीलर्स गाड़ी ख़रीदते थे उन्होंने ओवरनाइट डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद गाड़ियाँ ख़रीदना बंद कर दी, क्योंकि सारा कैश मार्केट से हट गया। एंड डीलर्स वर कि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है हम धंधा नहीं करेंगे। तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, 30-40% से हमारी वॉल्यूम ओवरनाइट गिर गई और आपके खर्चे तो फिक्स्ड हैं। सो अगले 6 महीने काफ़ी नुकसान हुआ। जो हमने वॉल्यूम अचीव करी थी पहले 18 महीने में, हम उस वॉल्यूम के आधे नंबर पे आ गए अगले 6 महीने। हम सोच रहे थे कि हमको शायद 4 साल लग जाएंगे कोविड से रिकवर करने में, बट जैसे मैंने कहा कि 4 महीने में पूरा बिज़नेस रिकवर कर गया। बट उस बिज़नेस को रिकवर करने में हमने बहुत लंबी प्लानिंग बनाई थी और उस प्लानिंग को बहुत डिटेल में एग्जीक्यूट किया। 6 साल हो गए थे जब कोविड हुआ था बिज़नेस को चलाते हुए, और एज लीडर्स हम डे टू डे चीज़ें अब इतना नहीं करते थे जितना पहले करते थे। और आई थिंक कोविड वो टाइम था व्हेन वी वेंट बैक टू द बेसिक्स, वेयर वी सेड कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग कार्स इन थाउजेंड्स वी विल काउंट एवरी कार अगेन। जब हमने कंपनी शुरू करी थी तो हम एक एक कार को सेलिब्रेट करते थे एक गोंग बजा के, राइट, बिकॉज एवरी कार वॉज इम्पॉर्टेंट। और धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वो इम्प्रैक्टिकल हो गया कि आप दिन भर गोंगी बजाते रहोगे। बट ये एक टाइम आया जहाँ पे फिर से एक एक कार सेलिब्रेट होना शुरू हो गई, राइट। ऑल द फोकस वॉज ऑन दैट, यू नो, वी विल ट्राई एवरी वे टू ब्रिंग द बिजनेस बैक। अभी तक हमारे बिजनेस में सारी गाड़ियाँ हम फिजिकल ब्रांचेस पे खरीदते थे, बट कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। इस टाइम पे फिर हमने पहली बार होम इंस्पेक्शन लॉन्च किया कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आके आपके घर पे आपकी गाड़ी को चेक करके आपकी गाड़ी को वहाँ से पिकअप कर लेंगे, राइट। ये बहुत बड़ा स्टेप चेंज था बिजनेस मॉडल में। ऐसा नहीं कि हमने होम इंस्पेक्शन पहले ट्राई नहीं किया था, बट कस्टमर्स को चाहिए नहीं था, बट अब कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। तो हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसकी कोई भी तैयारी नहीं थी, कोई भी पहले से इस पर थॉट्स नहीं थे। बट रातों लग के द टीम क्रिएटेड अ होम इंस्पेक्शन आंसर वेरी क्विकली, and that's how we managed to recover our cars in a matter of 4 months. In 2021, after having braced the COVID and back to building the business a normal way, something unexpected happened and we became unicorn by raising a big round at over $1 billion valuation. Or this was not something we were expecting, this is not something we were planning. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा। बट हमको ये हमेशा पता था कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर्स की वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करते रहेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। सो इफ आई हैव टू समराइज माय एंटायर स्टोरी, ऑल माय एक्सपीरियंसेस सो फार, फॉर ऑल माय फाउंडर फ्रेंड्स हु आर लुकिंग टू बिल्ड समथिंग, आई वुड से ओनली वन थिंग, दे विल बी फेलियर्स, दे विल बी अ लॉट ऑफ फेलियर्स in your path to success. Don't be disheartened by failure. Don't be afraid of failure. The best learning does not happen from your success, because when you are doing well, you are not that critical. You are not analyzing every step of yours. But when you are not doing well, I think that's great time when naturally you tend to analyze a lot, and that's where the progress happens.